हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। और मैं सुबह सुबह चक्कर क्यों लगा रही हूँ, क्योंकि ड्रेसिंग टेबल डिलीवरी आई हुई है और 4:45 बजे उनका फ़ोन आ गया था। फिर वो थोड़ा एड्रेस वगैरह भूल गए थे, तो किसी तरह उनको फ़ोन पे गाइड करके एड्रेस तक पहुँचाया गया है। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें होती हैं, फर्नीचर एंड ऑल, ये सब कुछ अर्ली मॉर्निंग ही डिलीवर किया जाता है, तो अभी 5 या फिर 5:15 का टाइम था, तो मेरा ड्रेसिंग टेबल आ गया है घर में। अगले दिन अगर ऐसा कुछ होने वाला होता है, कोई आने वाला होता है, या फिर कुछ सामान आने वाला होता है, या फिर कोई ओकेज़न होता है लाइक बर्थडे या पूजा वगैरह, तो एक रात पहले ना मुझे नींद ही नहीं आती है। मतलब मुश्किल ही मैं कुछ घंटों सोई होंगी और लगभग 3:30 बजे मेरी आँख खुल गई और मुझे ऐसा लगा कि डिलीवरी वाले का फ़ोन आ रहा है और हम लोग सोए हुए हैं और हमें उसके फ़ोन का पता ही नहीं चला। ऐसे ऐसे मतलब ख्याल आ रहे थे, तो 3:30 बजे से सोने की कोशिश करते करते 5 बज गया, 4:45 हो गया था जब इनका कॉल आया और मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। ऐसा नहीं था कि कुछ बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट था मुझे चीज़ों को लेकर के, लेकिन मतलब ऐसा डर लग रहा था कि कहीं उसका फ़ोन आए मॉर्निंग में और हम लोग सोते ही रह जाएं, हमें फ़ोन का पता ना चले। तो इस डर की वजह से मेरी आँख बार बार खुल रही थी और फाइनली ड्रेसिंग टेबल आ गया है। और इतनी बार भी हमने फर्नीचर मंगाया है पचकुइया से, तो जो डिलीवरी वाले होते हैं उनका जो रेट है वो वहीं से फिक्स हो जाता है कि 1000 रुपये, 1200 रुपये, 1500 रुपये कितने लेंगे वो। तो इन भैया का भी 1200 रुपये वहाँ से हमने फ़िक्स किया था, लेकिन यहाँ पर आ करके ये लोग बोलते हैं कि 100 रुपये, 200 रुपये एक्स्ट्रा और मांगते हैं। तो अभी ये भैया 100 रुपये और एक्स्ट्रा मांग रहे हैं, तो ये सब होता रहता है। जब भी हमने फर्नीचर मंगाया तो ये थोड़ा बहुत होता है, तो या फिर आप एकदम स्ट्रिक्टली फिक्स करके लाए वहाँ से, अदरवाइज़ ये लोग थोड़ा बहुत ऊपर चार्ज कर लेते हैं। और ड्रेसिंग टेबल इसी जगह पे रखा जाएगा, जगह तो मैंने ऑलरेडी 2-3 दिन पहले से खाली करके रखी है। और देखिए मेरा कितना प्यारा सा ड्रेसिंग टेबल है, और सबसे बढ़िया बात इसकी ये है कि मुझे इसके अंदर जो जो चाहिए था, मतलब मुझे अपने ड्रेसिंग टेबल में चाहिए था एक फुल लेंथ मिरर, और साइड में कुछ डिस्प्ले के लिए स्पेस चाहिए था जिसके ग्लास पे कोई डिज़ाइन ना हो। मुझे डिज़ाइनर ग्लासेस बिल्कुल पसंद नहीं है, जिन पे फूल पत्ती बना देते हैं वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। साथ ही साथ मुझे ड्रॉअर्स चाहिए थी कि 2-3 ड्रॉअर्स होनी चाहिए, और ढेर सारा चाहिए था मुझे स्पेस अपने सारे सामान को उसके अंदर ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो ये ड्रेसिंग टेबल जैसे ही मैंने देखा, मुझे लगा ये तो मेरे लिए ही बनाई गई है, इसके अंदर हर चीज़ है, स्टोरेज अच्छी है। इसके अलावा 2 ड्रॉअर्स दिए हुए हैं, ड्रॉअर के नीचे भी स्टोरेज है, डिस्प्ले एरिया है, और डिस्प्ले एरिया में जो शीशा यूज़ किया गया है ना, उसके अंदर कोई भी फूल पत्ती वाला डिज़ाइन नहीं बनाया है। तो जितनी भी रिक्वायरमेंट मेरे दिमाग में चल रही थी कि ये चीज़ होनी चाहिए ड्रेसिंग टेबल के अंदर, वो सब कुछ मुझे एक ही जगह मिल गई। इसके अलावा इसका जो साइज़ है वो एकदम परफेक्ट है इस जगह पे सेट करने के लिए, ये एग्जैक्टली मेरे घर के फर्नीचर से मैच करता है कलर वाइज। और ये ड्रेसिंग टेबल मुझे ऐसा लगा कि मेरा माइंड रीड करके बनाया गया है, और उन्होंने पहले से ही मेरे लिए बना के रख लिया कि मैं लेने आ रही हूँ ये सारी चीज़ें सोच करके, तो इतना एग्जैक्टली मैच किया है इसने। और इसका जो बेस्ट पार्ट है वो मुझे लगता है इसका स्लैंटिंग डोर जिसके ऊपर मिरर लगा हुआ है, ये आपके हेड टू टो पूरा आपको कवर करता है, मतलब एकदम फुल लेंथ मिरर है, जो कि मुझे चाहिए था हमेशा से, जिसमें आप साड़ी वगैरह जब पहनते हैं तो आप फुल देखना चाहते हैं अपने आप को कि हम कैसे लग रहे हैं सैंडल्स पहन के, और पूरा पैरों तक देखना चाहते हैं। मेरे उस वाले मिरर में ये बात नहीं थी, तो ये भी मुझे इसमें मिल गया। और देखिए आप, मिरर के पीछे ढेर सारा स्पेस है, मैं कभी थोड़ा क्लोजअप करके दिखाऊंगी, आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है इसमें, पर ये ऊपर से छोटा होते होते नीचे काफ़ी बड़ा स्पेस हो जाता है, क्योंकि डोर जो है वो स्लैंटिंग है, तो इस वजह से, और काफ़ी अच्छा खासा स्पेस है। जो भी मेरे ड्रेसिंग टेबल के अंदर सामान था उसका डबल ट्रिपल सामान इसके अंदर आ सकता है, तो परफेक्ट चॉइस है, परफेक्ट डिज़ाइन मुझे मिल गया है। और अभी इस टाइम जो है हस्बैंड सिद्धार्थ दोनों घर से जा चुके हैं स्कूल और ऑफिस के लिए, और मैंने अपना शुरू कर दिया है कामकाज। वैसे तो जो ड्रेसिंग टेबल है वो अच्छे से क्लीन करके और पॉलिश करके दिया है उन्होंने, लेकिन फिर भी मैंने गीला कपड़ा मार दिया है ताकि जो भी थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं था, कपड़े में कुछ भी नहीं आया, एकदम साफ़ सुथरा ड्रेसिंग टेबल डिलीवर हुआ था, तो हल्का सा कपड़ा मार दिया है। और अब मैं अपनी सारी चीज़ें, जो भी ड्रेसिंग टेबल के ऊपर क्लटर इतने दिनों से मेरे जमा रहता था, आप लोग देखते ही थे, तो वो सारी चीज़ें अब मैं इसके अंदर अच्छे से अरेंज कर दूंगी और कुछ भी नहीं दिखेगा, सब कुछ अंडरग्राउंड हो जाएगा। तो ये सब मैंने फैला के रख लिया है, और ये जो डिस्प्ले एरिया है इसके अंदर मैं मोस्टली वो वाली चीज़ें रखूँगी जो हम डेली यूज़ करते हैं, लाइक स्किन केयर से रिलेटेड सामान, और डियोज़ हो गए,
और ऑयल्स हो गए और परफ्यूम्स हो गए, ये सब मैं रखूँगी। जो डिस्प्ले रहता है वो अच्छा भी लगता है उससे, और आपका रिक्वायरमेंट का सारा सामान जो आप डेली यूज़ करते हैं वो आपकी आँखों के सामने आपको मिल जाता है। तो सनस्क्रीन क्रीम्स हैं, डियोज़ हैं, परफ्यूम्स हैं, ऑयल है, मेकअप रिमूवर है और लोशन वगैरह, ये सारा चीज़ मैं इसमें अरेंज कर रही हूँ। और ये देखने में काफ़ी छोटे छोटे से लग रहे हैं लेकिन इतने छोटे नहीं हैं, डबल आप इसमें आगे पीछे करके सामान रख सकते हैं। और जितना सामान आप मेरा ड्रेसिंग पे देखते थे वो सारा सामान इसी के अंदर आ गया। और इसके अंदर बैंगल्स के लिए भी ऊपर स्पेस दिया हुआ है, तो इसमें दो लेयर्स दी हुई हैं, दो लेयर्स में आप बैंगल्स लगा सकते हैं। तो मेरे जितने भी कड़े वगैरह हैं वो सारे मैंने उनके अंदर लगा दिए हैं। और एक्चुअली ये जो कड़े वगैरह आपने देखे ही, कड़े बैंगल्स में बॉक्सेस में भर भर के अलमीरा के अंदर रखती थी, तो पता है उनको पहनने के लिए भी ना एफर्ट लगता था, तो मैं पहन भी नहीं पाती थी। मैं सोचती थी अलमीरा खोलनी पड़ेगी, ढूंढना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। अभी ऐसे डिस्प्ले में रहेंगे तो जब भी मुझे अपनी ड्रेस से मैचिंग कोई बैंगल या फिर कोई कड़ा पहनना है अपनी टॉप से मैचिंग, तो मैं तुरंत यहाँ से निकाल के पहन सकती हूँ, मुझे कहीं ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो मुझे ऐसे रखी हुई चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं कि आँखों के सामने भी रहें, ऑर्गेनाइज भी रहें और नीट एंड क्लीन सब कुछ लगता रहे। तो बस यही पर्पज़ था मेरा ड्रेसिंग टेबल लेने का। काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी पर बस सोच रही थी, लेकिन जैसे ही मुझे कारपेंटर ने बताया कि ये डोर आपका एकदम ख़राब हो चुका है, दूसरा डोर लगाना पड़ेगा, तो मैंने सोचा अब मैं इसको बिल्कुल भी ठीक करवाने वाली नहीं हूँ, अब मैं दूसरा ही खरीद लेती हूँ जो कि अच्छी स्टोरेज के साथ हो, ताकि जितना भी मेरा मेकअप से रिलेटेड सामान है वो सब उसके अंदर नाइसली अरेंज हो जाए। जितना जल्दी आप लोगों ने देखा उतना जल्दी अरेंज नहीं हुआ है ड्रेसिंग टेबल, मुझे लगभग 1.5 घंटे के आसपास लग गया सारी चीज़ों को कायदे से रखने में। और उसके बाद मैंने, क्योंकि बेडशीट पर सारी चीज़ें उड़ेली थी, तो इसीलिए मैंने बेडशीट भी चेंज कर दिया है और बढ़िया सी साफ सी बेडशीट बिछा दी है, रूम क्लीन कर दिया है। और आंटी जी आकर के इस बीच में काम करके भी चली गई और उनको भी ड्रेसिंग टेबल बहुत पसंद आया, तो कह रही थी कि बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है, बहुत अच्छा है। आप लोग प्लीज़ बताइएगा कि आपको कैसा लगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसा लगा है। बाकी मैंने क्लोज़अप अच्छे से नहीं दिखाया है, वो मैं किसी और वीडियो में ज़रूर कवर करूँगी। और इस टेबल की भी बहुत तारीफ़ आ रही थी कि हाँ एकदम परफेक्ट मैच जा रहा है आपके घर से। और ये एक सेल्फ है जो मैंने मंगाई है, और ये एक्चुअली मैंने फ़िश टैंक के बगल के लिए मंगाया था, जो फ़िश टैंक के बगल में थोड़ा सा स्पेस खाली है, लेकिन ये उसमें फ़िट नहीं आया, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया, बिल्कुल आधा इंच बड़ा हो गया। और ये है हमारे प्यारे प्यारे छोटू बेबी बुद्धा, और आप में से बहुत सारे लोग इनका प्राइस पूछ रहे थे, तो ये मुझे 250 के एक पड़े, मतलब ये पेयर मुझे 500 का पड़ा है और कोई बार्गेन नहीं हुआ इस पर। और ये देखिए कितने सुंदर है, मतलब बहुत ही मनमोहक है। मैं इनको जितनी बार देखती हूँ तो मैं कुछ सेकंड्स तक इनको देखती रह जाती हूँ। आई डोंट नो ये वीडियो में इतने प्यारे लग रहे हैं कि नहीं, पर ये रियल में बहुत प्यारे हैं। ड्रेसिंग टेबल भी मेरी हो गई एकदम नाइसली अरेंज, और जितनी भी सारी चीज़ें डेली रिक्वायरमेंट की थी वो तो मैंने अच्छे से सेट कर दी हैं। बस नीचे के 2-3 जो सेक्शन हैं उनको मुझे और अच्छे से सेट करके रखना है, वो मैं आराम से तसल्ली में करूँगी। बाकी जो डेली यूज़ की जो हमारी चीज़ें होती हैं वो सब मैंने सेट राइट कर दिया है। और यहाँ पे मैं नहा के भी आ गई हूँ और बस अपना थोड़ा सा स्किन केयर कर रही हूँ मॉर्निंग का, डिटेल इसकी मैं कभी बाद में शेयर करूँगी। तो जितनी भी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ या तो मेरे किचन में या मेरे स्किन केयर मेकअप से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं जो मैं यूज़ करती हूँ, उसके बारे में क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं। क्लियरली पूरा 100% सारे लोग तो नहीं पूछते हैं, लेकिन हाँ
अगर 100 मेरे पास मैसेज आए हैं तो उसमें से 10, 12, 15 लोग ज़रूर हैं जो इन सारी चीज़ों के बारे में पूछते हैं कि आपने ये क्या लगाया या ये क्या यूज़ किया या आपने लिप शेड कौन सा यूज़ किया है, क्या लगाया। तो मैंने प्लान किया है कि मैं अपना जितना भी सामान यूज़ करती हूँ उसके बारे में वीडियो में डिटेल में बताना। हर वीडियो में बताऊँगी तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा और अच्छा भी नहीं लगेगा, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक्स डाल दिया करूँगी। तो आप जिस प्रोडक्ट के बारे में भी आप देखना चाहते हैं या मेरा लिप शेड है कोई जो आपको पसंद आ गया, आप लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के चेक कर सकते हैं। वेबसाइट पे सीधे जाके उनके रिव्यूज़ पढ़ सकते हैं, शेड सेलेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो लिंक अगर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा तो इससे बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए मैं जितनी भी चीज़ें यूज़ करती हूँ उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। और एक बात और कि क्या होता है ना, मैसेज के थ्रू अगर कोई मुझसे लिप का शेड पूछता है तो उतना लिख के मैसेज में बता पाना मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है, पर एक ही बार मैं अगर डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी तो अगर 10 लोग पूछते हैं तो मुझे 10 बार लिखना नहीं पड़ेगा, वो सीधे डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए जो भी चीज़ जो भी मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे उन सब का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और आज सुबह से ही मैं दिखा रही हूँ कितना हबड़ दबड़ घर में मेरे मचा हुआ है। और अभी बज गया है 11 और सारा जो घर है मेरा वो सेट हो चुका है, क्योंकि संडे के बाद मंडे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हो जाता है। और कल तो हम काफ़ी लेट आए घर में और काफ़ी सारा सामान आया था तो उसका जो कचड़ा था वो सारा पड़ा हुआ था, तो सब कुछ साफ़ वगैरह करके अब एकदम नाइसली क्लीन एंड ऑर्गेनाइज सब कुछ हो गया है मेरा घर। और आप देख सकते हैं मेरी न्यू ड्रेसिंग टेबल, जिसको मैंने अच्छे से तो नहीं अरेंज किया है बट हाँ, जो रेगुलर यूज़ की चीज़ें हैं वो सारी अच्छे से कर दी हैं। जो स्टॉक करना है मुझे, जैसे कि ज्वेलरी वगैरह है, वो सारी नीचे अभी मैंने ऐसे ही बॉक्सेस में भर दिए, उसको अभी अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना मुझे बाकी है। ड्राइंग रूम में जो भी चेंजेस हुए हैं वो भी मैंने आपको दिखा दिए हैं और मैं रेडी हो गई हूँ। एक्चुअली क्या है कि यहाँ कुछ दूर पे ही हमारे रिलेटिव रहते हैं, तो गाँव से चाची जी आई हुई हैं तो उनसे मिलने भी जाना है और साथ में उनकी मिल तो मैं उनसे एक बार चुकी हूँ, लेकिन उनसे मिलने भी एक बार जाना है। और दूसरा कि पापा और माँ की कुछ मेडिसिंस हैं जो वहाँ पे नहीं मिलती हैं तो वो हम यहाँ से भेजते हैं, तो ऐसे तो कोरियर के थ्रू चला जाता है, लेकिन अभी वो आई हुई हैं तो हम उन्हीं के हाथ देने जा रहे हैं। वो आपसे मैं उसके बाद ही मिल पाऊँगी। अब तब तक के लिए बाय, फिर मैं आपसे बाद में मिलती हूँ। यहाँ पे मैं सारा सामान वगैरह पहुँचा के आ गई हूँ और इसके अलावा मेरे घर में जो सामान की ज़रूरत थी वो भी लेके आ गई हूँ, लाइक आलू और हरी मिर्च, हरी धनिया, ये सब ख़त्म हो गई थी, बनाना ख़त्म हो गए थे, बस ये छोटी मोटी चीज़ें जो घर की थी वही सब मैं लेकर के आई हूँ। और काजू लाई हूँ, सिद्धार्थ को काजू बहुत पसंद है तो वो डेली बेसिस पे 2-3 काजू खाता रहता है, तो इसीलिए काजू हमेशा घर में होने ज़रूरी हैं। और ग्रेवी वगैरह में भी कई बार डालने के लिए, या फिर आप कुछ राइस वगैरह पुलाव वगैरह बनाती हूँ तो मैं उसमें भी यूज़ करती हूँ। दाल में आज मैं बनाने जा रही हूँ लौकी और खटाई वाली दाल। ये है अरहर की दाल, आप चाहें तो इसकी जगह चने की दाल भी यूज कर सकते हैं। इसमें डाला है मैंने थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च और हींग, यहाँ पे मैं बॉईल होने में ही डाल दूंगी, आप ऐसे भी हींग डाल सकते हैं, और नमक, और ये हिमालयन पिंक सॉल्ट है जो मैंने मंगाया था, और ये है खटाई, इसकी भी रेसिपी मैं बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ। तो ये 2-3 पीसेस मैंने खटाई के डाल दिए हैं और बस ये डाल दी है लौकी। अभी जो है नवरात्रा है तो लहसुन प्याज नहीं खा रहे हैं, अदरवाइज़ इस दाल को आप बॉईल करके इसके अंदर लहसुन प्याज टमाटर सबका तड़का लगाएंगे तो ये और भी ज़्यादा डिलीशियस बनेगी।
इसके साथ मैं बना रही हूँ सिंपल सी मटर और आलू की भुजिया। यहाँ पे मैं सिद्धार्थ को स्कूल से भी ले आई हूँ, उसको फ्रेश करवा दिया है और वो बगल में ही बैठ के खाना खा रहा है। और ये व्लॉग मैं बस आगे कंटिन्यू नहीं कर पाई बिकॉज बहुत ज़्यादा थक गई थी। एक तो रात में नींद नहीं आई, 3:30 बजे से ही जाग रही थी। उसके बाद फिर घर में सारा फर्नीचर आ गया तो उसको सारा ऑर्गेनाइज और क्लीन करने में लग गई, और घर के जो रेगुलर काम होते हैं वो तो होते ही हैं। तो बस ये व्लॉग मैंने आगे कंटिन्यू नहीं किया, बस लंच टाइम तक ही रखा है। होपफुली आपको ये मेरा व्लॉग छोटा सा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ड्रेसिंग टेबल कैसा लगा। और ये वाली वीडियो मैं यहीं पे करती हूँ एंड। मिलती हूँ मैं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।